शरद जी, जी छठे चरण में छक्का लग गया। कल योगी जी ने नारा दिया था छठे चरण में 275 पार और सातवें में 330 पार। क्या आकलन है, क्या स्थिति है? बिल्कुल सही स्थिति है। योगी जी की पैनी निगाह हर जगह है जी और जो उन्होंने काम किया है पिछले 5 साल में, जिसके बूते पे हम लोग चुनाव में उतरे हैं, जनता के सामने सारी चीजें हैं। बाकियों ने क्या किया, उनकी 4 बार सरकार बनते आपने देखी है, बिगड़ते देखी है, 4 बार सपा, 4 बार बसपा, इन सबको देख चुके हैं। तो कोई नई चीज ऐसी नहीं है जो ये लाने वाले हैं। हम लोगों ने मात्र 2 साल में, वैसे सत्ता में 5 साल थे, लेकिन 2 साल क्योंकि जो वायरस की भेंट चढ़ गया था, तो हम लोगों ने 2 ढाई साल में जो काम किया है, इन लोगों ने 70 साल में नहीं किया है। उत्तर प्रदेश को सबसे पहले पायदान पे सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि जो जो नौकरी के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोग हैं, जो जिनके पास नौकरी नहीं है। नौकरियां हम लोगों ने दी हैं, मेट्रो हमने बनाया है, कमिश्नरी हमने बनाई है, दंगा मुक्त किया है। जो पलायन हो रहा था जी उत्तर प्रदेश से, दंगा अच्छे लोगों का, सज्जनों का, वो पलायन रोका है। जितना क्राइम था उस पर कंट्रोल किया है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश पर कैपिटा बेसिस पे सबसे नीचे के पायदान पे है अपराध के मामले में। तो हर तरह से चौतरफा जी विकास जो हुआ उत्तर प्रदेश में, और जो वायरस में भी आप देखें कि पर कैपिटा सबसे कम वायरस उत्तर प्रदेश में लोगों को हुआ, सबसे कम हताहत उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। तो कोई भी ऐसा जी क्षेत्र विकास का नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले पायदान पर नहीं है। जी दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय दिए हैं, उत्तरांचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने बिजली के कनेक्शन दिए हैं, गैस के कनेक्शन दिए ठीक हैं। है शरद कोई भाई, भी ठीक ऐसा है क्षेत्र नहीं ठीक है है जिसका ठीक है विकास नहीं हुआ ठीक है। ठीक है। मूल बात ये कि भाजपा यानी सरकार के जो आंकड़े हैं, मैंने 35 साल के अपने पत्रकारी जीवन में इतनी सरकारें देखी शरद जी, कोई सरकार ऐसी नहीं मिली जिसके फाइल में ऐसे बड़े बड़े आंकड़े नहीं रहे हो। ये अधिकारी इतने अद्भुत चमत्कारी जीव है, भारत का ब्यूरोक्रेट। गोविंद बल्लभ पंत जी के पास भी वैसी फाइल रहती थी जैसी योगी जी के पास, बीच के सब गिन लो उसमें, मायावती, नरेंद्र तिवारी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सब गिन लो। क्या जिससे भी मैं मिलता था वो ऐसे मुझे 15 मिनट गिना देता था कि इतने करोड़ इतने ये कर दिया, और हर सुनने के बाद मुझे लगता था सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, फिर मैं बाहर जब निकलता था तो मुझे भूख, आएंगे दोबारा में, अभी नहीं, मुझे भूख दिखती थी, प्यास दिखती थी, दरिद्रता दिखती थी, हिचकोले खाती हुई सड़कें दिखती थी, सबकी बात कह रहा हूं, लुटते पिटते लोग दिखते थे और बेरोजगारों की फौज दिखती थी, लेकिन आंकड़े कहते थे सब बहुत अच्छा हो गया। वो पूरे विश्व भर में जितनी एजेंसियां हैं उन्होंने इसको प्रमाणित कर दिया। कबीर कहते थे, शरद जी इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, वाजपेयी सरकार के जाने का मूल कारण यह था क्योंकि उनकी सरकार इस बात पर एडामेंट हो गई कि इंडिया शाइनिंग है। और सरकार जाने के बाद अजय लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस, जो एनडीए के संयोजक थे, दोनों ने व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे कहा कि हां अग्निहोत्री जी, इस नारे की वजह से हमको दिक्कत हुई। ये मानने को तैयार नहीं थे मंच पर खड़े होकर के इंडिया शाइन नहीं कर रहा, और ननकू कह रहा था शाइनिंग है किधर, ये समझ नहीं आ रहा। ये विरोधाभास में सरकार चली गई, विरोधाभास में। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए राजनीतिक दलों को। अखिलेश जी की सरकार थी, वो भी ऐसे आंकड़े गिनाते थे कि इतना कर दिया, बताइए। मायावती जी की थी, वो भी आंकड़े गिनाती थी, वो तो केवल ही केवल गिनाती थी, दूसरे की सुनती भी नहीं थी, सवाल जवाब में भी नहीं पढ़ती थी। क्या हुआ? कबीर ने कहा, तू कहता है आंखें देखी, मैं कह नहीं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। सब अच्छा हो जाए तो फिर ये भूख कहां से आई है?
ये व्याकुलता कहां से आ रही है, ये छटपटाहट क्यों मुझे दिखाई देती है? सब राजनीतिक दलों को और बाबुओं को मिलकर सोचना चाहिए। अभिषेक वाजपेयी, मेरा एक प्रश्न खड़ा होता है, ये जो दो चरणों की अब चुनाव की यात्रा बची है, छठा आज हो ही गया, सातवां 7 तारीख को है, ये चुनाव मूलतः अन्य चरणों के मुकाबले पिछड़ों की राजनीति पर ज्यादा केंद्रित है, ठीक है ना? हिपोक्रेसी करेंगे तो फिर हम लोग कुछ भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शब्दों के साथ बहस समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई बात यह कि पिछड़ों की राजनीति का ये आंगन है पूर्वांचल। ठीक, अब समझना मुझे ये है कि ओम प्रकाश राजभर, सुखदेव राजभर का लड़का और रामचल राजभर, ये तीन राजभर और एक तरफ अनिल राजभर इनके शरद जी के, ऐसे ही मैं देख रहा हूं क्या जो पिछड़ों में जो नॉन यादव बड़ी जातियां हैं उनमें आपके नेता और भाजपा के नेता, ठीक, असली किसके माने जाएंगे इसकी लड़ाई मुझे लग रहा। भाजपा का घोषणा पत्र क्या है, सपा का है क्या है, ये शायद ज्यादा पूर्व में नहीं चल रहा। मसला ये है कि अनिल राजभर को राजभर नेता मान रहा है या इनको मान रहा, उससे तय हो गई लड़ाई। ऐसे ही ये देखना होगा लालजी वर्मा को नेता मान रहा कुर्मी के इनके शरद जी वाले भाई साहब को मान रहा, क्या लगता है आपको? देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसा कि शरद जी बोल रहे थे जी, तो देखिए शायद जो वो आंकड़े गिना रहे थे तो आज मुझे लग रहा है कि वो जो बस्ती में बस्ती मंडल में जो सड़कें बनी या फिर नहीं, नहीं आंकड़े सब सरकारें गिनाती है, ये आंकड़ों की बीमारी सबके साथ। नहीं अमिताभ जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, शायद उसी उन्हीं आंकड़ों को बता रहे थे मुझे लगता है। आखिर उन आंकड़ों को ये क्यों नहीं बताते कि जो कि संसद के पटल पे एक रिपोर्ट रखी गई थी कि यूपी कोटे में आर्मी की जो वैकेंसी थी 122,555 वैकेंसियां थी, उनमें से आंकड़ों के हिसाब से ये बता रहे थे कि कितनी फुलफिल करा दी थी, या फिर 45,000 पद जो स्वास्थ्य विभाग में नर्स टेक्नीशियन और डॉक्टर्स के खाली थे उनमें आंकड़ों के हिसाब से बता रहे थे कितनी इन्होंने भर्तियां कर दी, या फिर बता रहे थे कि होमगार्ड हो गई, कांस्टेबल हो गए, इंस्पेक्टर की वैकेंसियां तकरीबन 105,000 के आसपास की थी, उनमें से कितनी भर्तियां इन्होंने कर दी उसके बारे में बताए थे। महंगाई का आंकड़ा सर चढ़ के बोल रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जैसा कि अभी आपका प्रश्न है, मैं उन प्रश्न पे भी आता हूँ। आप पूर्वांचल में, मैं अभी खुद भी पूर्वांचल दौरा करके आया था, पूर्वांचल में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, मठ जा रहे हैं मठाधीश, क्योंकि 10 मार्च को आ रहे हैं द्वारिकाधीश। मैं ये इस बात के इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया होता तो डबल इंजन की सरकार को आज ये ना बोलना पड़ता होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके लोग आकर के सारे जरूरी कामकाज छोड़ करके एक चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहा है। आप इस बात से समझ सकते हैं, इसका मतलब कि एक सरकार योगी आदित्यनाथ जी की जो इंजन था वो फेल हो चुका है, उनके पास काम गिनाने को नहीं है, इसीलिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री बाबू। प्रधानमंत्री के आना कोई बड़ी घटना नहीं, प्रधानमंत्री हर चुनाव में जाते हैं, मणिपुर में भी गए, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। ना ये छठे चरण का इशू है कि प्रधानमंत्री आए कि नहीं आए, और ना सातवें चरण का इशू है, जाना चाहिए, घर के मुखिया क्यों नहीं जाएंगे, जाना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई रोक है क्या? ना ये बात ठीक नहीं। के मित्र पाठी, मैं बार बार बहुत मुझे असहजता भी लगती है, लेकिन मैं कांग्रेस को चर्चा में नहीं पा रहा, मैदान तो छोड़िए, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है इसमें कोई शक नहीं, 3 दिन काशी में रहेंगी, कबीर चौरा में, महात्मा कबीर के की जो मूल गद्दी है वहां सब कर रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है दो बड़े योद्धाओं के युद्ध में, उनकी पालेबंदी में कांग्रेस कहीं एंट्री नहीं ले पा रही। आपको लगी छटपटाहट महसूस होती है क्या, या 2022 को आप प्रयोग मान रहे हैं कि भाई ठीक है 22 में एक प्रयोग करके देखा है, इसको आकलन करेंगे, फिर बाकी लड़ाई हम 27 में लड़ेंगे, ऐसा सोच रहे हैं?
नहीं अमिताभ जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। बड़ी जी संजीदगी से कहूंगा कि ऐसा नहीं है। कभी कभी चर्चा में न होना और चर्चा में न दिखना एक अलग मामला हो जी सकता है, लेकिन आदरणीय प्रियंका जी ने जिस तरह से मेहनत की है और संगठन को खड़ा किया है और जनता के पास हम जा रहे हैं, 400 सीटों पे हमारे प्रत्याशी हैं और हर जगह हम प्रचार कर रहे हैं, हर जगह जनता से मिल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक प्रयोग है और 27 की लड़ाई है या 24 की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई ये 22 की ही है। हम जी 22 की लड़ाई में हैं, 22 की लड़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है और जनता इसको समझ रही है। हाँ, एक नई राजनीति है, हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बात उठाई वो अपने आप में नई थी, लेकिन उसका परिणाम यह है कि हर दल ने महिलाओं के टिकट में बढ़ोतरी की और बीजेपी जैसी पार्टी जो मात्र संस्था आरएसएस से आती है जहां महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता, उन्होंने भी टिकट बहुत सारे दिए। तो कहीं ना कहीं भर्ती की बात अखिलेश जी भी कर रहे हैं, पहले चर्बी और गर्मी से अब भर्ती पे आ रहे हैं, तो प्रियंका जी की और कांग्रेस पार्टी की अगर जो ये भी भूमिका और चर्चा आप मानते हैं कि हमारे कारण चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी जीत है। हाँ, बाकी लोकतंत्र में जीतने के लिए ही हम आए हैं, जनता का समर्थन लेने के लिए आए हैं और जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ हैं और हमें समर्थन मिलना है। ठीक बात, ठीक। सुरेश जी, आपसे भी बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, बाकी तो फिर अच्छी अच्छी बातें सब करते रहे, अभी बहुत समय हो गया, आप तो चुनाव समापन पे, तो कुछ खरी खरी बात कर लें हम लोग, ताकि जनता को भी लगे कि हाँ कुछ सच्ची बात भी करते हैं ये लोग, टीवी में बैठ के ऐसा नहीं कि गाल बजाते हैं। हमसे एक बड़े बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई साहब उत्तर प्रदेश का चुनाव, सर जी आप भी सुन लीजिएगा, कि प्रदेश का चुनाव इस बात पर आके टिका, बोले इस पर नहीं टिका कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और अखिलेश कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस बात पर टिका है कि मायावती का वोट जो उनकी पार्टी के पास 20-22% वोट है, उसमें वो उसमें से कितना मेरी हमारी तरफ आता है इसी से तय हो जाएगा। ठीक, समाजवादी पार्टी के 5 बड़े लोगों में से जो लोग हैं उनसे जब बात होती तो वो ये कहते हैं कि बसपा अपना वोट कितना रिटेन कर पाएगी ये देखने की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये बात दोनों मान रहे, भाजपा भी और सपा भी, एक लीडर नहीं दसियों से मेरी बात होती है कि बसपा में वोट बिखराव की ओर है। कब जाटव ना सही, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, नॉन जाटव दलित समाज जो है मायावती का स्ट्रेंथ रहा कभी, वो छिटक जाएगा जो पूर्व के चुनावों में भी छिटका है। 17 में भाजपा के 325 एलाइज के साथ मिलके तभी आए थे जब मायावती का नॉन जाटव SC भाग गया था। क्या कहेंगे? देखिएगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, आप सहमत होना भी नहीं चाहिए भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा ना प्रैक्टिकली बात जी, 22-23% हमारा वोट स्टैंड कर रहा है, हाँ, यों थोड़ा हाँ, बहुत अंतर आ जाता है वो अलग बात है, हाँ, और आज भी हमें 4-6% वोट बढ़ने का पूरा उम्मीद और इतने की जरूरत। और जहाँ तक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आप जहाँ बैठ कर के चर्चा हम दोनों कर रहे हैं यहाँ पर और साथी लोग भी सुन रहे हैं, क्या ये नोएडा का यही स्वरूप था? ये बसपा की देन है, यहाँ जवा से पैदा होते थे। अब ये बातें तो हम लोग 6 चरण में कर ही चुके विकास के, तो उसे उन्होंने शरद जी ने लाइन में गलत पकड़ ली, तो आज उस विषय का विषय ही नहीं अमिताभ है जी, कि हमने कितनी बस चलाई, हमने कितनी मूर्ति लगाई, अब जनता जान गई। नहीं नहीं, आज तो खरी बात करो। हाँ, वही हम कर रहे हैं, वोट पड़ रहा है, हमने पार्क बनाने की फोटो दिखाने से कुछ हो रहा है अब हम